स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आज का जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप में, वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा, और ये मैच पुणे के पिच पर होगा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पिच पर कितनी बाउंड्री देखने को मिलेगी या चौके छक्कों के अंबार लगने वाले हैं। आपको बता दें, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 71 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 25 न्यूजीलैंड जीता तो 41 बार साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। 5 मैच ऐसे रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सेमीफाइनल में प्रवेश के प्रबल दावेदार न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के मैच में आज आमने सामने होंगे। जी हाँ, इन दोनों टीमों के बल्लेबाजों के बीच बड़ा मुकाबला होगा। मौजूदा वर्ल्ड कप के अधिकांश मुकाबले एक तरफा रहे हैं, लेकिन अगर दो करीबी मुकाबले चुने जाएं तो चेन्नई में साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान पर 1 विकेट से जीत और न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया रोमांचक मैच था, जिसमें 388 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 5 रन से पीछे रह गई थी। अगर बात की जाए दोनों टीमों के एक्स फैक्टर के, तो साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 3 शतक समेत 431 रन बना चुके हैं। वहीं युवा रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड के लिए 406 रन बनाए हैं। उनके हवाई शॉट्स देखने लायक होते हैं। इसके अलावा वह अच्छे स्पिनर होने के कारण संपूर्ण पैकेज हैं, यानी कि जिस तरीके से वो 20 के ओवरों में आकर गेंदबाजी करते हैं और जिस तरीके से बड़े हिट्स लगाते हैं, उसे न्यूजीलैंड की टीम को काफ़ी संतुलित रखते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के पास अगर पावर हिटर हेनरिक्स क्लासेन हैं, तो न्यूजीलैंड के पास जिमी नीसम हैं। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के लिए एक्स फैक्टर हैं, तो डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए एक्स फैक्टर हैं। यानी कि डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को गहराई देते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं आज इस मैच में किस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, किस तरीके से पावर हिटिंग शॉट देखने को मिलेंगे और कितनी बार बाउंड्री के बाहर जाएगी बाल, फिर वो चाहे हवाई यात्रा हो या चाहे जमीनी यात्रा हो। लेकिन अगर बात करेंगे, एडन मार्करम की तुलना ग्लेन फिलिप्स से भी की जा सकती है, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी होने के साथ दोनों उम्दा स्पिनर भी हैं। गेंदबाजी में अगर साउथ अफ्रीका के कसिगो रबाडा को फिट होने की उम्मीद होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल सके थे। दोनों टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश की दावेदार हैं। न्यूजीलैंड के 6 मैच में 8 अंक हैं, लगातार 4 जीत के बाद वो लगातार उसने उस मैच गंवाए हैं। अगर बात की जाए सेमीफाइनल के लिए दावा मजबूत करने के लिए, उसे जीत की दरकार है। यहाँ उसकी हार से अफगानिस्तान छांग और पाकिस्तान छांग के लिए रास्ते खुल सकते हैं। यदि कीवी टीम इसके बाद बाकी 2 मैच भी गंवा देगी तो वह सेमीफाइनल के दौर से पहली बार हो सकती है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका 6 मैच में 10 अंक के साथ जीतने पर 12 हो जाएंगे और भारत के साथ सेमीफाइनल में अपनी लगभग जीत पक्की कर लेगी। जिस तरीके से अभी आप देखेंगे वर्ल्ड कप के मुकाबलों को उठाकर डेविन कॉनवे, विलियम खास करके कुछ ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहे हैं, लेकिन जितने उनको मौके मिले हैं उसका वो फायदा उठाएं। रचिन द्रविंद की जब बात होती है तो वो 22 साल का लड़का जो लंबे हिट्स मारता है, वो 22 साल का रचिन रविंद्र जो स्पिन गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाकर विकेट दिलाता है। बात की जाए डेरिल मिचेल की, तो डेरिल मिचेल तो अपने आप में फुल पैकेज है। जिस तरीके से वो वनडे को भी T20 फॉर्मेट तरह खेलते हैं। टॉम लाथम बात करेंगे तो उम्दा विकेट कीपर होने के साथ साथ उम्दा बैट्समैन भी हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आप ध्यान देंगे ग्लेन फिलिप्स और जिमी नीसम के ऊपर, जो इनके पास ऐसे एक्स फैक्टर दो बल्लेबाज हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं और बॉलिंग के साथ साथ विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खासा परेशान भी करते हैं, और फिर बीच में जिस तरीके से मिचेल सेंटर, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करते हैं, वो अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड टीम के लिए पूरा पैकेज देकर जाते हैं। बात की जाए अगर लॉकी फर्ग्यूसन की, तो लॉकी फर्ग्यूसन के पास जो पेस है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्षी टीम को कितना परेशान कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो इस मुकाबले में, इस वर्ल्ड कप में काफ़ी संतुलित दिखी है। क्विंटन डिकॉक 3 शतक लगा चुके हैं और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। टिम्बा बमुमा को हालांकि सबसे उम्मीद रहेगी आज इस मैच में अच्छी शुरुआत देने के लिए। बात अगर की जाए राशिवान डर हुसैन की, तो वो भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन एडम मार्करम को इन सब के बीच आप दरकिनार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एडम मार्करम जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वो पूरी तरीके से अपनी टीम को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। एडम मार्करम ने, आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वो 2 नंबर पर है, यानी कि एक पावर हिटर है। अगर बात की जाए डेविड मिलर यानी कि किलर मिलर की, तो मिलर की जिस तरीके से आधी आती है, जिस तरीके से वो गेंदबाजों पर हावी होते हैं, आते हैं जिस तरीके से लंबे हवाई फायर लगाते हैं, उसके लिए भी आज का दिन काफ़ी खास होने वाला है। यानी कि डेविड मिलर
कुछ कारनामा दिखाएंगे, क्योंकि पुणे की पिच को बैटिंग के लिए पूरी तरीके से वरदान माना जाता है। अगर बात की जाए मार्को जॉनसन की, तो मार्को जॉनसन भी अपने आप में एक फुल पैकेज देते हैं साउथ अफ्रीका को, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके गेंदबाजी करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मार्को जॉनसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो पावर प्ले में आकर लगभग 2 विकेट हर मैच में निकालने का उनका अभी तक एवरेज है। फिलहाल कशिगो रबाडा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि वो चोट के कारण अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे तो क्या इस मैच में फिट होंगे और कितना फिट होंगे, क्या वो खेलने लायक होंगे। लेकिन केशव महाराज जो पाकिस्तान के खिलाफ वो बैट से अपने 4 रन जो उनके निकले थे, जो उससे जीत दिलाए थे, उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें होंगे। लेकिन सबके पीछे हटकर देखेंगे कल जो मुकाबला हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ उस मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने जीता और मानो एक फूंक की हवा डाल दी हो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए। फिलहाल ये वर्ल्ड कप का मुकाबला 2:00 PM से यानी सी थोड़ी सी देर में शुरू होगा। आप सब बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ, क्योंकि हम आपको वर्ल्ड कप की पल पल की अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।